तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे, आज शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा दूसरे तरह का हम भेज रहे हैं, तुम लोग कमेंट करोगे ये सही है कि नहीं, तब इस तरह से ही पढ़ाएंगे तुम लोग को। आज का जो टॉपिक है आज हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जो होता है मेरा, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हमने आपको बताया था कि ये एक लाइन खींच दिया, और इस लाइन को अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, ये छोटा छोटा सा टुकड़ा है, और ये टोटल जो डिस्टेंस था ये मेरा एक्स था, और इस छोटे टुकड़े को हम कहते हैं डी एक्स। क्लियर है? और बड़ा चीज़ को छोटा करना डिफरेंशिएशन कहलाता था। अगर हम इस डी एक्स में ये साइन लगा देते हैं, इस डी एक्स में ये साइन लगा देते हैं, तो ये इक्वल होता है एक्स। मीन्स इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है जस्ट ऐड करना और जोड़ना। कुछ इसका सिंपल फार्मूला हम देखते हैं। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो जा कर के हम देखेंगे वीडियो क्लिप पर डिफरेंशिएशन को पहले, तब इंटीग्रेशन समझ में आएगा। हम देखते हैं इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला सब है, कुछ फार्मूले को देखते हैं क्या क्या सब फार्मूला है। फर्स्ट नंबर में मेरा फार्मूला है, नंबर फर्स्ट का फार्मूला याद रखेंगे, अगर x टू द पावर n dx होता है, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को हम c कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम देखें ये जो मेरा, अगर इसी को टू नंबर में हम समझते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दिया, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन हम करते हैं, अगर यहाँ पे हम इस पर कुछ लिमिट लगा देते हैं, और इसका लोअर लिमिट अगर हम ले लें a, अपर लिमिट ले लेते हैं बी, तब इसका जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा सब कुछ वैसा ही चलेगा। यहाँ पे होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट लगाना होगा, और ये लिमिट जो है मेरा ए से बी तक है, और प्लस एक कांस्टेंट होगा सी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इक्वल हो जाएगा मेरा 1 बाय एन प्लस 1 को हम बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो होगा मेरा ये जो बचा हुआ है x टू दी पावर n प्लस 1, और इसका लिमिट जो है मेरा a है, और ये मेरा b है प्लस c। अब हम देखते हैं लिमिट का यूज कैसे करते हैं, तो लिमिट का यूज देखते हैं कैसे करते हैं। तो मेरा यहाँ पे साइड में दिख रहा है, देख रहे हो साइड में स्क्रीन पे, ये जो मेरा इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाता है मेरा 1 बाय एन प्लस 1 तो था ही, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं x के बदले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मेरा a था, a पे पावर n प्लस 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट b था, b पे भी पावर n प्लस 1 होगा, और प्लस सी, ये मेरा कैलकुलेशन हो जाता। और ये वाला ही इंटीग्रेशन आप लोग को जनरली पढ़ने के लिए है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर यहाँ पे थर्ड नंबर का फॉर्मूला देखते हैं एक, अगर इंटीग्रेशन डी एक्स लगा हुआ है, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे,
ये मेरा इक्वल हो जाता एक्स टू द पावर 0+1 बाई 0+1। ये प्लस सी कांस्टेंट, क्लियर है, और ये इक्वल हो जाता मेरा एक्स प्लस सी। ये मेरा थर्ड नंबर का फॉर्मूला था। हम देखते हैं नंबर फोर क्या है। नंबर फोर में अगर हम यहाँ पर देखें नंबर फोर का फॉर्मूला, नंबर फोर में अगर इंटीग्रेशन यू प्लस वी दिया हुआ है और ये ब्रैकेट में यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है डी एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन यू डी एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन वी डी एक्स, क्लियर है। फार्मूला नंबर फाइव अगर हम देखें, फाइव नंबर का फार्मूला, अगर सी यू डी एक्स दिया हुआ है और ये इंटीग्रेशन है वेयर सी इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर यू इंटू डी एक्स होगा, क्लियर है। अगर सिक्स नंबर का फार्मूला यहीं पर हम देखें, सी एक्स टू द पावर एन डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो सी को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। ये मेरा फाइनल रिजल्ट क्या देगा, सी बाहर आ गया, यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन आएगा, क्लियर है, ये मेरा होता। नेक्स्ट अगर हम देखें फार्मूला नंबर सिक्स, फार्मूला नंबर सिक्स अगर हम देखते हैं, सिक्स नंबर का जो मेरा फार्मूला है, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है एक्स टू द पावर -1 dx, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स और ये इक्वल हो जाएगा मेरा log बेस ई एक्स प्लस सी, क्लियर है। अगर मेरा सेवन नंबर का फार्मूला देखें, सेवन नंबर का अगर हम फार्मूला देखें, अगर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ये मेरा हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट चले यहाँ पे, सिक्स हो गया था सेवन, ये मेरा सेवन नंबर हो जाता, क्लियर है, और ये मेरा एट नंबर होता, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखें फार्मूला नंबर नाइन, अगर फार्मूला नंबर नाइन देखें, फार्मूला नंबर नाइन में अगर ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स दिया हुआ है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ये मेरा हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा और एक कांस्टेंट यहाँ आएगा जीरो के बदले में। अगर हम फार्मूला नंबर टेन देखते हैं तो टेन नंबर का अगर रहे ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो ये जो मेरा हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। हम पहले ही बोल चुके हैं जो बच्चे अगर डिफरेंशिएशन को नहीं देखे हो तो पहले डिफरेंशिएशन को देखना ज़रूरी है, अगर हम डिफरेंशिएशन नहीं देखेंगे अच्छे से तो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं, अगर हम देखते हैं फार्मूला नंबर 11 में चलते हैं और इस फार्मूले का एप्लीकेशन भी दिखाएंगे आप लोग को अभी हम। अगर हम यहाँ पे फार्मूला नंबर 11 की बात करें, 11 नंबर का फार्मूला, 11 नंबर का फर्स्ट अगर हम देखें साइन एक्स डी एक्स का अगर हम देखें साइन एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा मेरा -cos x + c। अगर हम यहाँ पे देखें
दूसरा नंबर में इसी का नंबर टू साइन एन एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स का हो जाएगा मेरा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन कांस्टेंट है और ये प्लस क्या आएगा यहाँ पे सी आएगा। क्लियर है। फॉर्मूला नंबर अगर हम 12 में चलते हैं 12 नंबर का फॉर्मूला अगर है मेरा 12 का फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट में क्या है अगर कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है। अगर यहीं पे उसी के फैक्टर में अगर एक कांस्टेंट लेकर के यहाँ पुट करें अगर कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो मेरा आएगा ये आ जाएगा मेरा साइन एन एक्स एन कांस्टेंट है तो डिवाइडेड बाय एन प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं हम फार्मूला नंबर 13। फार्मूला नंबर अगर हम 13 में चलें 13 नंबर का ये इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा मेरा टेन एक्स प्लस सी। अगर हम फार्मूला नंबर 14 में चलें तो 14 नंबर का अगर हम इंटीग्रेट करें 14 नंबर का देखते हैं 14 नंबर में अगर हम 14 को देखें कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो आएगा मेरा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। हम देखते हैं फार्मूला नंबर 15 क्या है। फार्मूला नंबर 15 को देखते हैं 15 में अगर 15 नंबर में हम देखें इंटीग्रेशन सेक एक्स ये सेक लिखा हुआ है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है। नंबर 16 नंबर का अगर हम फार्मूला देखें ये अगर फार्मूला देखें कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ये मेरा आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं फार्मूला नंबर 17 को अगर हम देखें फार्मूला नंबर 17 ये जो मेरा फार्मूला है ये है मेरा ए एक्स प्लस बी का पावर एन इंटू डी एक्स अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये मेरा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन। क्लियर है। नीचे में आएगा मेरा कितना होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू डी ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डी एक्स ये मेरा इक्वल आ जाएगा ए ए ए एक्स प्लस बी इंटू एन का एन प्लस वन पावर डिवाइडेड बाय ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी ये आएगा। अगर हम याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो इतना टेढ़ा टेढ़ा फिजिक्स में नहीं रहेगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन 18 नंबर का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है ये मेरा चलेगा अगर इंटीग्रेशन है ए बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा ए लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स
क्लियर है, और ये इक्वल हो जाएगा मेरा लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कुछ ही एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले इतना पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन हम देखते हैं पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं जरा समझिए। अगर मेरा एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर पाई प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं पढ़ें डी वाई बाई डी एक्स का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 5x का पावर 4 कांस्टेंट का 0, दिस इज रिटेन एज 5x का पावर 4। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर यही आ गया है मेरा dy का जो वैल्यू आ गया है मेरा कितना आ गया है 5x का पावर 4 इंटू dx, यही आया है। अगर हम फिर इसको इंटीग्रेट करें दोबारा तो क्या आता है देखते हैं। y इक्वल टू क्या आया है, y इक्वल टू जो आया था मेरा y इक्वल टू आया है dy इक्वल टू आया था मेरा 5x का पावर 4 इंटू dx। क्लियर है। अगर हम यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं इसके पीछे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। क्लियर है। तो y इक्वल टू आ जाता मेरा 5x का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, 5 कैंसिल। देखो मेरा इक्वेशन वही आ गया है, फिर मेरा इक्वेशन जो आ गया है मेरा y इक्वल टू आ गया है मेरा x का पावर 5 प्लस सी जो था मेरा पहला, या इसी को हम और लिख सकते हैं x का पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। क्लियर है। वेयर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर एक्स टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 5 प्लस सी, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ जो इक्वेशन आएगा मेरा, ये मेरा प्लस साइन लिखा हुआ है, देखते हैं इसको मिटा करके, ये जो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे ये प्लस साइन है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो इसका जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ रहा है मेरा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 आएगा या y टू इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस सी आएगा। अगर हम इस तरह की चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो इसी को कहते हैं कॉल्ड, इसी चीज़ को कहा जाता है कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक। मीन्स हम यहाँ पे जो इंटीग्रेट किया तो x टू द पावर 5 प्लस सी या x टू द पावर 5 आ रहा है, इससे हमको पता नहीं चल पा रहा है कि x टू द पावर 5 प्लस सी होगा या x टू द पावर 5 होगा। जब इस तरह का पता नहीं चलने लगता है तो ऐसा ही इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। देखते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या आप देखते हैं, हम थोड़ा सा मेथड इसका, जब यहाँ जो हम देखते हैं हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो मेथड से हम कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को,
एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दो तरह से होता है, एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, देखते हैं, हम देखते हैं एग्जांपल नंबर ए का। पहले हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देकर के ट्राई करते हैं, क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट इवेल्युएट इंटीग्रेशन वन बाय ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। कहता है इसको इवेल्युएट कीजिए, मतलब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट लेट कर लिया हमने ए एक्स प्लस बी का जो वैल्यू होगा, हमने लेट कर लिया, जेड है, देन देन डी ए एक्स प्लस बी, डी ए एक्स प्लस बी वाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा मेरा डी जेड बाई डी एक्स। क्लियर है, इसको अगर हम करें पूरा इंटीग्रेशन, ये बाहर आ जाएगा ए, ये हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बी कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाता, ये मेरा हो जाता डी जेड बाई डी एक्स। सो ए का जो वैल्यू आ गया है मेरा, कितना आया ए का वैल्यू, डी जेड बाय डी डी जेड बाय डी एक्स आया। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय ए। क्लियर है यहाँ तक। अब हम जो मेरे पास जो इंटीग्रेशन था उसमें इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा देखिए। अगर मेरे पास यही इक्वेशन था ना, इक्वेशन वन बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, अब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा वन बाई जेड इंटू डी जेड बाई ए। क्लियर है, अब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो मेरा आएगा वन बाय ए को बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर जो रह जाएगा मेरा डी जेड बाय जेड होगा। क्लियर है, ये मेरा इक्वल हो जाएगा वन बाय ए लॉग बेस जेड प्लस सी, तो ये इक्वल हो जाएगा वन बाय ए लॉग बेस ई, यहाँ भी बेस ई ही रहेगा, जेड किसको लेट किए थे देखो आप, जेड लेट किए थे हम ए एक्स प्लस बी को, और यहाँ पे प्लस क्या आएगा सी आएगा, यही मेरा आंसर होता। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, हम बना करके दिखाएंगे, आप लोग अपने से पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है नंबर टू का क्वेश्चन, कहता है इवेल्युएट इवेल्युएट, अच्छा नंबर टू का क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट इवेल्युएट कहता है करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है सेक पर पावर फोर एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू कहता है क्या होगा बताइए। क्लियर है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आप लेट कर लो पहले, लेट सेक एक्स इक्वल टू जेड,
क्लियर है, मीन्स डी सीक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा डी जेड बाई डी एक्स, क्लियर है। तो अगर इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये जो हम पढ़ाए हैं इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को याद होगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा सीक एक्स, सीक एक्स इंटू टेन एक्स, सीक एक्स इंटू टेन एक्स ये इक्वल हो जाएगा मेरा कितना डी जेड बाई डी एक्स, क्लियर है यहाँ तक। ये मेरा हो गया सीक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं आगे, तो ये मेरा अभी जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट था मेरा हमको करने के लिए यही इक्वेशन था ना, ये हो जाएगा मेरा क्या सेक का पावर थ्री एक्स इंटू, इसको तोड़ देते हैं दो टुकड़े में, सेक एक्स, सेक का पावर फोर था तो हमने सेक थ्री एक्स और सेक एक्स लिख सकते हैं इंटू टेन एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब यहीं पर पुट कर देते हैं, ये मेरा जेड इसको लेट कर लिए हैं, ये हो जाएगा जेड का पावर थ्री डी जेड इक्वल टू जेड का पावर फोर बाय फोर, क्लियर है, प्लस सी, ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक पर पावर फोर एक्स बाय फोर प्लस सी, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, चलते हैं आगे, ये मेरा इसका आंसर होता है। अगर एक क्वेश्चन और दें आप लोग को हम, अगर एक क्वेश्चन दें आपको बनाने के लिए, क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, इसको इवेल्युएट करना था। ये मेरा क्या आ जाता, देखिए तो सिंपल सा है, ये हो जाता है एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन यहाँ पे प्लस डी एक्स बाय एक्स, क्लियर है। यहाँ पे एक्स डी एक्स का क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाय टू, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स, क्लियर है, प्लस लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, यही मेरा हो जाता है, क्लियर है। तो हमने ये देख रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अब हम देखते हैं नंबर बी का पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन नंबर बी में बताए थे, इसमें पढ़ते हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाय पार्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए हमने लिख कर लिया इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यू वी इंटू डी एक्स, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इक्वेशन आएगा यू को बाहर कर लिया वी डी एक्स, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसका, क्लियर है, नेक्स्ट पेज में ये आ जाएगा इतना मेरा, ये डी एक्स लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये पेज भर चुका है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको फिर से। यहाँ पे अगर हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा, यू को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स,
पूरी ब्रैकेट देकर के यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स आएगा। क्लियर है, ये मेरा हो जाता। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें इसी पे बेस्ड, अब ये मेरा इसका बाय पार्ट का फॉर्मूला हुआ। अब टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, हाँ ये होता है जो मेरा ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मूला दे दिए हैं, ठीक है। अगर इतना फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है, चलेगा। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा मेरा क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है, तो ये मेरा क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे क्या होगा डी एक्स बाय डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, फिर ये मेरा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये इक्वल हो जाएगा मेरा एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है, साइन एक्स डी एक्स ये मेरा इक्वल हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं आपको। क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ज़रा सा, थोड़ा लंबा है ये इक्वेशन, देखते हैं समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू द पावर, इंटीग्रेशन क्या था इंटीग्रेशन, अच्छा हम देखते हैं, आज पहला बार आप लोग को बना रहे हैं स्पेन से वीडियो, आप लोग देखोगे अगर अच्छा होगा तो कमेंट करना, इसी पे बना करके भेजेंगे। तो एक्स टू दी पावर एन लॉग एक्स डी एक्स, यही था ना, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स एक्स का पावर एन डी एक्स। क्लियर है, ये इक्वल हो जाएगा मेरा लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स यहाँ पे लॉग एक्स, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। क्लियर है, अब इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया, ये मेरा ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है, इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन इंटू डी एक्स। जब इसका आगे वाला लाइन देखते हैं क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक, ये मेरा हो जाएगा, नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ये हो जाएगा मेरा सारा इक्वल हो जाएगा मेरा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू लॉग एक्स माइनस
x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर, ये n लिखा हुआ है, n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c, ये इक्वल हो जाएगा मेरा x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये वन लिखा हुआ है, n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c, प्लस c, ये अच्छा देखते हैं आगे। नेक्स्ट रुक जाए एक सेकेंड, ये जो मेरा आ जाएगा, यहाँ तक तो c था ही, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका, ये जो आ जाएगा, इसका ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये आया मेरा कितना, x टू द पावर n प्लस वन बाय, इतना ही है n प्लस वन, ये इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, log x, क्लियर है, माइनस वन बाय, ये हो जाएगा n प्लस वन, यहाँ पे प्लस c, क्लियर है। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट। क्या है जो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोग को पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, उसका नाम है डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन। और फिजिक्स में जो क्वेश्चन होता है जनरली डिफिनिट इंटीग्रेशन पर ही होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आप कोशिश करोगे इतना समझने का, अगर बायो के बच्चा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैथ के बच्चे हैं तो कोशिश करेंगे, ताकि मैथमेटिक्स में तो बहुत सारा पढ़ना है, तो हम दूसरे दिन शुरू करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।